हेलो दोस्तों, हॉरर सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज को लेकर आया हूँ जिसका नाम है सालेम, और ये सीरीज 17th सेंचुरी के असली इंसिडेंट पर बेस्ड है। 17th सेंचुरी में कई सारे गांव में जादू टोना और चुड़ैलों जैसी प्रथा ज्यादा प्रचलित थी, और उस समय कई सारे मासूम लोगों को चुड़ैल समझकर मार दिया जाता था। तो इसी पर बेस्ड है सालेम, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स है, और इसे 72% गूगल यूजर ने लाइक किया है। इस सीरीज के टोटल 3 सीजन है, तो अगर आपको इसका पहला सीजन पसंद आएगा तो मैं आपके लिए इसके बाकी के सीजन को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है सालेम के पहले एपिसोड में। तो क्या धर्म के नाम पर लोगों को डराना और उनको गुलाम बनाना सही होगा? क्या गॉड इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या समाज के टॉर्चर से तंग आकर लोगों से बदला लेने के लिए शैतान की पूजा करना सही है? यही हमें आज की हमारी इस नई सीरीज में पता चलने वाला है। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सालेम सीजन के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है 21 सितंबर 1685 से सालेम नाम के एक गांव से, जहां पर धर्म के ठेकेदारों का राज चल रहा था, जिसे पुरिटन्स कहा जाता था। और ये लोग गॉड के नाम पर लोगों के मन में डर बिठाते थे। गॉड के नाम पर वहां पर लोगों को अपनी सोच से अपना गुलाम बनाकर रखा गया था। अब फिर एक दिन एक कपल आइजैक और एबिगेल को पब्लिक के सामने टॉर्चर किया जा रहा था। पुरिटन्स के मुताबिक इन कपल का पाप यही था कि ये लोग शादी से पहले ही इंटीमेट हुए थे। उन पुरिटन्स का लीडर जॉर्ज था, जिसके ऑर्डर पर दोनों को बहुत ही ज्यादा मार पीटा गया था, और पब्लिक के सामने उन्हें शर्मिंदा किया जाता है। यहाँ तक कि आइजैक के माथे पर गर्म लोहे से F लिख दिया जाता है, ताकि आइजैक को पूरी लाइफ अपनी गलती याद रहे। समाज के सामने सभी लोग डर से अपनी आवाज को नहीं उठा पाते थे, लेकिन उनमें से जॉनी ऐसा था जो कि जानता था कि पुरिटन्स गॉड के नाम पर लोगों को डराया करते हैं। जॉन तो अपनी आवाज उठा लेता था, लेकिन अगर लोग ही डर के मारे चुप रहे तो वो अकेला क्या कर सकता था। जॉर्ज जॉन को सजा नहीं दे पा रहा था, क्योंकि जॉन के फादर सालेम के बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन जॉर्ज इसी मौके की तलाश में था कि किस दिन वो जॉन की गलती पकड़ ले और उसको वो पब्लिकली सजा दे। सालेम की ही एक लड़की मेरी से जॉन प्यार करता था, और रात को कभी कभी दोनों चुप चुप कर मिला भी करते थे। लेकिन उस रात जॉन मेरी को बताता है कि उसको उसे युद्ध में जाना होगा, और वो एक सिल्वर कॉइन का आधा हिस्सा जॉन मेरी को दे देता है और आधा हिस्सा खुद अपने पास में रखता है। और वो मेरी से ये प्रॉमिस करता है कि वो एक साल के बाद में युद्ध से वापस आ जाएगा और उससे शादी करेगा। फिर अगले ही दिन एक साल के लिए जॉन युद्ध के लिए निकल जाता है, और सबके सामने दोनों एक दूसरे को आखिरी बार बाय भी नहीं बोल पाते हैं। अब कुछ महीनों के बाद में मेरी को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, और अगर किसी को भी ये पता लगा कि वो बिना शादी के माँ बन गई है तो फिर उसको क्या भयानक सजा दी जाएगी? ये सोचकर ही मेरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर उसी दिन मेरी को जॉर्ज से ये पता लगता है कि युद्ध में जॉन की मौत हो चुकी है, और मेरी को हासिल करने के लिए ही जॉर्ज ने ही जॉन को युद्ध में भेजा था, ताकि जॉन युद्ध में मारा जाए और मेरी अकेली पड़ जाए। जॉन के बिना मेरी क्या करेगी उसको समझ नहीं आ रहा था। और तब मेरी की दोस्त टिटूबा मेरी को रात में जंगल के बीच में एक सीक्रेट प्लेस में लेकर जाती है। मेरी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन उस बच्चे के लिए समाज में कोई जगह नहीं थी, तो इसीलिए मेरी टिटूबा को अपने ऊपर एक रिचुअल करने को देती है। मेरी को कुछ भयानक शैतानों के विजन आते हैं, और कुछ ही टाइम बाद शैतानों को मेरी के होने वाले बच्चे की बलि दी जाती है। अपने बच्चे को खोकर मेरी बहुत ही ज़्यादा रोती है, और एक दिन में उसने अपना प्यार और अपना बच्चा दोनों को खो दिया था। टिटूबा मेरी को समझाती है कि इसी बलि की वजह से शैतानों की मदद से एक दिन मेरी सालेम की सबसे पावरफुल औरत बन जाएगी, और ये सीन यहाँ पर कट होता है। कहानी अब 7 साल के बाद शुरू होती है, जहाँ पर हम जॉन को देखते हैं जो कि बिल्कुल जिंदा था, और वो सालेम आ रहा था। जॉन को मारा नहीं गया था, बल्कि उसे दुश्मनों ने कैद करके रखा था, और इसीलिए जॉन सालेम नहीं आ पा रहा था। रास्ते में वो ये देखता है कि बहुत सारे लोगों को फांसी पर लटका कर रखा गया था, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों में सालेम में क्या क्या हुआ है। सालेम वापस आकर जॉन देखता है कि आजकल सालेम में भी छंटिंग चल रही थी, और जॉन को वापस देखकर उसका दोस्त गाइल्स बहुत खुश होता है। गाइल्स से जॉन को पता चलता है कि विचेस यानी कि चुड़ैल ने सालेम में तबाही मचा कर रखी हुई थी, और जिन भी लोगों पर चुड़ैल होने का शक था तो उन लोगों को फांसी पर लटका कर मार दिया गया था, और विच हंटिंग का लीडर कॉटन था। कॉटन के फादर भी एक टाइम पर फेमस विच हंटर थे,
गाइल से जॉन को ये भी पता चलता है कि मैरी अब सैलम की सबसे पावरफुल और अमीर औरत है और मैरी ने अब जॉर्ज से शादी कर ली थी, जिसे जानकर जॉन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। गाइल्स जॉन को बताता है कि जॉर्ज अब बहुत ही ज़्यादा बीमार है और शायद एक दिन जॉन सैलम की सबसे अमीर विधवा से शादी कर पाएगा, मतलब कि जॉर्ज जल्दी मरने वाला था। फिर उसी रात मैरी को जॉन के दोस्त आइजेक से पता चलता है कि जॉन सैलम वापस आ चुका है और जॉन मरा नहीं बल्कि जिंदा है, जिसे जानकर मैरी भी शॉक्ड थी। दूसरी तरफ जॉन एक बार में था जहाँ पर कॉटन एक लड़की को काबू करने के लिए तीन ताकतवर मर्द को ढूंढ रहा था, जिसके लिए कॉटन उनको पैसे भी देने वाला था और जॉन कॉटन के साथ इस काम को करने के लिए मान जाता है। कॉटन जॉन को उस लड़की के पास में लेकर जाता है। उस लड़की का नाम मर्सी था, जिसे चुड़ैलों ने अपने वश में कर रखा था। फिर कमरे के अंदर आते ही मर्सी उन लोगों पर अटैक करने वाली थी कि तभी जॉन और बाकी सभी मर्सी को पकड़कर बेड पर बांध देते हैं। जब तक कॉटन को ये पता नहीं चलता कि मर्सी को बस में करने वाली चुड़ैल का नाम क्या है, तब तक कॉटन मर्सी को उस चुड़ैल के काबू से नहीं बचा पाएगा। मर्सी चाह कर भी कॉटन को उस चुड़ैल का नाम नहीं बोल पा रही थी। फिर उनके जाते ही हम एक चुड़ैल को मर्सी के रूम में देखते हैं और चुड़ैल मर्सी के पास में रहकर उसे डरा रही थी। अब अगले दिन चर्च में कॉटन सभी को समझा रहा था कि पूरे सैलम को बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक ही चुड़ैल काफी है और उनकी फाइट अब गॉड और हेल के शैतानों से थी। वे सभी मिलकर ही शैतानों से लड़ सकते हैं और कोई ना कोई चुड़ैल उनके बीच मौजूद थी, जिस वजह से वे लोग कमजोर पड़ रहे थे। उस चर्च में जॉन, मैरी और जॉर्ज भी मौजूद थे और दोनों ही एक दूसरे को ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि उन दोनों के मन में अब भी कुछ है। मैरी जॉन को अपने घर कल रात डिनर पार्टी में इन्वाइट करती है और जॉन भी डिनर पर आने के लिए मान जाता है। रात को जॉन एक बार पर गया था, वहां पर उसे आइजेक मिलता है। जॉन चुड़ैलों को असली नहीं मानता था, लेकिन आइजेक जॉन को समझाता है कि चुड़ैलें असली में होती है और सैलम गांव में उन्हीं चुड़ैलों का राज चल रहा है। दूसरी तरफ कॉटन मर्सी की बॉडी को चेक कर रहा था, क्योंकि हर चुड़ैल के पास में अपना एक पालतू जानवर होता है, जैसे कि चूहा, मेंढक, बर्ड या फिर कुछ भी। चुड़ैल की बॉडी में एक होल भी होता है जिससे कि वो अपने उस पालतू पेट को दूध पिलाती है। कॉटन मर्सी की बॉडी पर वही होल ढूंढ रहा था, लेकिन कॉटन को मर्सी की बॉडी पर कोई भी होल नजर नहीं आता है। उसके बाद में कॉटन एक प्रोस्टिट्यूट के पास में जाता है और वहाँ पर वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ में इंटीमेट होता है। इस तरफ हम मेरी की असल सच्चाई को देखते हैं। नेकेड होकर मेरी जॉर्ज के पास में जाती है और वो उसके पेट को दबाकर एक फ्रॉक को उसके मुंह से निकालती है और उस फ्रॉक को मेरी अपने पैर के पास में बने हुए एक होल से दूध पिलाती है, मतलब कि मेरी अब एक चुड़ैल है और वो फ्रॉक उसका पालतू है। वो मेंढक जॉर्ज के पेट में था, इसलिए जॉर्ज किसी को भी कुछ बता नहीं सकता था। जिसके बाद में मेरी जॉर्ज के मुंह में फिर से उस मेंढक को डाल देती है। जॉर्ज ने मेरी से सब कुछ छीन लिया था, तो इसीलिए मेरी ने डेविल के साथ में डील करके वो एक चुड़ैल बन गई थी और वो जॉर्ज और उसके बनाए हुए सैलम गांव को बर्बाद कर रही थी। मेरी के अंदर जो विच है उसको हम एक मिरर में भी देख पाते हैं। अगले दिन हम मेरी की डिनर पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर कॉटन, जॉन, मिस्टर हेल, मिस हेल और उनकी बेटी एना थी। एना वहाँ पर खुलेआम जॉन से फ्लर्ट कर रही थी और एना को जॉन बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिस बात से मेरी को बहुत जलन हो रही थी। जॉर्ज बाकी लोगों को मेरी के असली रूप के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर मेरी नौकर को बुलाकर जॉर्ज को अंदर रूम में भेज देती है। मेरी के जादू की वजह से जॉन को ऐसा लग रहा था कि मेरी उसके पास में है, लेकिन असल में मेरी जॉन से बहुत ही दूर बैठी थी। डिनर के बाद में मेरी और जॉन एक दूसरे से बातें करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से नाराज थे। मेरी इसलिए नाराज थी क्योंकि जॉन टाइम पर उसके पास में नहीं आया और उसने मेरी से ज़्यादा उस युद्ध को इम्पोर्टेंस दी। जॉन भी मेरी से नाराज था क्योंकि मेरी ने उसका इंतजार नहीं किया और जॉर्ज से उसने शादी कर ली। दुश्मनों ने अगर जॉन को कैद नहीं किया होता तो जॉन टाइम पर ही मेरी के पास में आ जाता, लेकिन जॉन ने अभी भी उस कॉइन का आधा हिस्सा अपने पास में रखा हुआ था। जॉन मेरी को अपने साथ में न्यूयॉर्क चलने को कहता है क्योंकि वे लोग वहाँ पर सैलम से ज़्यादा अच्छी और आज़ाद ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन मेरी अब ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ पर वो अब प्यार के रास्ते आगे नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि उसने बदले और डेविल का रास्ता चुन लिया था। अब यहाँ पर रात के समय टिटूबा मेरी को समझाती है कि जॉन ने उसको उसके बुरे टाइम पर छोड़ दिया था और उसका साथ किसी ने नहीं दिया था, इसीलिए उसने अपना बच्चा खो दिया। उस टाइम पर उसका साथ डेविल और चुड़ैलों ने दिया, जिसकी वजह से एक टाइम पर जो लोग मेरी के खिलाफ थे वे लोग अब उसके गुलाम बन गए थे। तो अब मेरी को अपना काम नहीं भूलना चाहिए। अगले दिन उनका एक फुल मून रिचुअल होने वाला था, जिसके लिए टिटूबा मेरी को रेडी करने के लिए कहती है और उसी रात में मेरी से गाइल्स मिलने आता है, जिस रात मेरी ने अपने होने वाले बच्चे की बलि दी थी।
डेविल के पास में उस रात गाइल्स ने वो सब कुछ देख लिया था और इतने सालों से उसने किसी को भी मेरी के चुड़ैल होने की बात नहीं बताई थी। लेकिन अगर अब मेरी ने जॉन को अपनी सच्चाई नहीं बताई तो खुद जॉन को उसकी सच्चाई बता देगा। फिर अगले दिन एना ड्राइंग कर रही थी और वहाँ पर जॉन आता है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और जॉन के जाने के बाद में मेरी एना के पास में आती है और उससे कुछ बातें करने के बहाने एना के कुछ बालों को मेरी निकाल कर रख लेती है। दूसरी तरफ कॉटन मर्सी से उस चुड़ैल के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मर्सी चुड़ैल के जादू की वजह से कुछ बता नहीं पाती है। लेकिन अगर मर्सी उन चुड़ैल को देख ले तो वो उसे पहचान लेगी, इसीलिए कॉटन मर्सी को पब्लिक प्लेस पर ले जाता है। वो मर्सी के मुंह पर एक लोहे का मास्क पहना देता है ताकि मर्सी किसी पर भी अटैक न कर सके। मर्सी एक जानवर की तरह बिहेव कर रही थी। मर्सी मेरी को देखकर उसके चुड़ैल होने का इशारा करने वाली थी कि तभी मेरी अपने चुड़ैल का जादू उस पर चला देती है और मर्सी अपनी उंगली काटकर गाइल्स की तरफ इशारा करती है कि गाइल्स ही वो चुड़ैल है, जिसे देखकर गाइल्स भी शॉक्ड हो गया था। फिर इस तरफ जॉन सालेम छोड़कर न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन आइज़ैक जॉन को जाने से रोक लेता है। गाइल्स को अब कॉटन ने विच समझकर जेल में बंद करके रखा था, लेकिन गाइल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो एक विच है और वो जॉन से मिलने के बाद ही कुछ भी बोलने वाला था। मेरी कॉटन को ये एडवाइस देती है कि वो गाइल्स को टॉर्चर करके उसके मुंह से बात को निकलवाए कि वही विच है। मेरी फिर टिटुबा के साथ में डेविल को सेक्सुअली खुश करने के लिए एक रिचुअल करती है और फिर मेरी को डेविल के साथ में इंटीमेट होने के कुछ कुछ विजन्स नजर आते हैं। उसी रात को आइज़ैक जॉन को जंगल में लेकर जाता है जहाँ पर चुड़ैलें मिलकर डेविल की पूजा करती थी। फिर एक तरफ मेरी डेविल के साथ में सेक्सुअली इंटीमेट होकर एक अलग ही जोन में चली गई थी और दूसरी तरफ जानवरों का मास्क पहनकर कुछ चुड़ैलें डेविल की पूजा कर रही थी। और तब हेल का डोर खुल जाता है और हेल से कुछ शैतानी ताकतें निकल आती हैं। जॉन और आइज़ैक ये सब चुप चुप कर देख रहे थे। वहीं पर एक चुड़ैल का पालतू मेंढक भी था जिसकी आंखें सिली हुई थी और उसे देखकर आइज़ैक डर जाता है। जॉन उसे चुप करता है, लेकिन तब तक उन चुड़ैलों ने उनकी आवाजें सुन ली थी। इस तरफ मेरी को पता लग जाता है कि किसी ने उन लोगों को देख लिया है। फिर उसी रात कॉटन पब्लिकली गाइल्स को टॉर्चर कर रहा था ताकि वो ये कबूल कर ले कि वही विच है। गाइल्स सभी टॉर्चर को सह रहा था ताकि वो जॉन से मिलकर उसे सच्चाई बता दे। तभी जॉन्स गाइल्स के पास में आता है, लेकिन गाइल्स उसे कुछ बता पाता उससे पहले ही मेरी के जादू की वजह से गाइल्स मारा जाता है। और मेरी को अभी तक यह समझ नहीं आया था कि जंगल में उनको रिचुअल कर रहे टाइम किसने देखा था। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मिस्टर हेल भी विचेस के साथ में ही मिले हुए थे। मेरी मिस्टर हेल को ये ऑर्डर देती है कि वो उन आदमियों को ढूंढे जिन्हें उन्हें वो रिचुअल करते हुए देखा था। मेरी तो बस यही चाहती थी कि सालेम के लोग बस एक दूसरे को ही विच समझकर मार डालें और पूरा सालेम एक शमशान में बदल जाए, क्योंकि तभी मेरी का बदला पूरा होगा। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 1 खत्म होता है। यहाँ से शुरू होता है एपिसोड 2 जहाँ पर कॉटन परेशान हो रहा था और अब तक वो जान ही नहीं पा रहा था कि असली चुड़ैल कौन है। चुड़ैलों को ढूंढने के चक्कर में उसने अभी तक कई इनोसेंट लोगों को मौत की सजा दी थी। और कॉटन गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि गॉड उसे सही सिग्नल दे ताकि वो सही रास्ते पर आगे बढ़ सके। आइज़ैक यहाँ पर गाइल्स की डेड बॉडी को जंगल के बीच में ले जाकर गड्ढे में फेंक देता है और वहाँ पर और भी कई सारे लोगों की सड़ी हुई डेड बॉडी पड़ी हुई थी और ये सभी वही लोग थे जिनको चुड़ैल समझकर मारा गया था। उसी रात फिर कॉटन उसी प्रोस्टिट्यूट के पास में जाता है जहाँ पर जॉन भी आता है। जॉन कॉटन पर गुस्सा था क्योंकि कॉटन ने इनोसेंट गाइल्स को मार दिया था और कॉटन को भी अपनी गलती का एहसास था। कॉटन फिर जॉन को हेल की फायर के बारे में बता देता है और ये बिल्कुल उसी तरह था जो कि जॉन ने कल रात को जंगल में चुड़ैलों को रिचुअल करते टाइम देखा हुआ था। जॉन फिर उसी चुड़ैलों के रिचुअल को कॉटन को दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन उससे पहले ही मिस्टर हेल सजा के बीच कॉटन को पीटने की वजह से जॉन को अरेस्ट कर लेते हैं। पर मेरी नहीं चाहती थी कि जॉन को कुछ भी नुकसान पहुंचे। मेरी मिस्टर हेल को जॉन को छोड़ने का ऑर्डर देती है और उस दिन जंगल में और कौन था उसको ढूंढने को भी कहती है। फिर रात को आइज़ैक कॉटन को जंगल के बीच चुड़ैलों के रिचुअल की जगह पर ले जाता है और उस जगह को देखकर ही कॉटन समझ जाता है कि वो चुड़ैलों की जगह है। वहीं पर उन दोनों को एक कटा हुआ हाथ मिलता है जिसमें बहुत सारे डेविल के सिंबल लिखे हुए थे और उस हाथ में बहुत सारे कीड़े भी थे। दूसरी तरफ मेरी जॉन को जेल से बाहर निकलकर सालेम छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से जाने को कहती है ताकि मेरी के बदले के बीच में जॉन की जान न चली जाए। लेकिन मेरी जॉन के साथ में सालेम को छोड़कर नहीं जा सकती थी। जॉन जानता था कि मेरी उसकी अब कभी भी नहीं हो सकती है, तो इसीलिए उस कॉइन का आधा हिस्सा जॉन भीख में एक लड़की को दे देता है। अब अगले दिन ब्रिगेट एना के साथ में मिलकर प्रेग्नेंट लड़की
मोरिया की डिलीवरी करवाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मोरिया भी बिना शादी की माँ बन रही थी और वो उस आदमी की रिस्पेक्ट के लिए उस आदमी का नाम भी नहीं बता रही थी। तब मेरी वहाँ पर आकर मोरिया के बच्चे के बाप का नाम बताने के लिए फोर्स करने लगती है, नहीं तो मेरी उसके बेबी की डिलीवरी नहीं होने देगी। मेरी का ऐसा बिहेवियर देखकर ब्रिगेट और एना को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि एक औरत होकर भी मेरी एक औरत का दर्द नहीं समझ रही थी। फिर भी मेरी मोरिया को समझाती है कि वो उस आदमी की इज्जत बचाने के लिए उसका नाम नहीं बता रही है, लेकिन वो आदमी उसको इस हालत में छोड़कर चला गया। बेबी को पैदा कर अगर वो मर गई तो उसका नाम न बताकर उसका क्या फायदा होगा। और तब मोरिया बता देती है कि उस बेबी का बाप बिली है। उसी टाइम मोरिया एक बेबी को डिलीवर करती है, जिसे देखकर मेरी को अपना बच्चा याद आता है जिसे उसने समाज के डर से खो दिया था, जिसके बाद में मेरी वहाँ से चली जाती है। इस तरफ मिस्टर हेल पेटर्स के पास में जाते हैं उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए जिसने चुड़ैलों के रिचुअल को देखा था। पेटर्स भी उन्हीं चुड़ैलों के साथ में मिला हुआ था। पेटर्स अपने एक मेंढक से पूछता है कि उस दिन जंगल में चुड़ैलों को किस किसने देखा था, और सीन यहीं पर कट होता है। दूसरी तरफ मेरी और सैलम के कुछ लड़कियों को हम चर्च में देखते हैं। चर्च के एक क्रॉस पर मर्सी को लटका कर रखा गया था और मर्सी की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी, लेकिन ब्रिगेट यहाँ पर जानती थी कि मर्सी को गॉड की नहीं मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। लेकिन मेरी के मुताबिक मर्सी पर चुड़ैलों ने कब्जा किया था और वो खुद को और बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचा रही थी, तो इसीलिए मर्सी को ऐसे चर्च पर बांध कर रखा गया है। ब्रिगेट थोड़ी ओपन माइंडेड थी और स्मार्ट भी थी, जो कि बाद में मेरी के लिए खतरा बन सकती थी। फिर उसी रात मेरी और टिटुबा की बातों से हमें पता चलता है कि चुड़ैलों का एक और टारगेट है कि डेविल को खुश करने और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वे लोग 16 इनोसेंट लोगों की बलि दें, वो भी सालेम के ही लोगों के हाथों से। चुड़ैलों के शक में अब तक जितने इनोसेंट लोगों की बलि दी गई थी उनमें से 9 इनोसेंट लोगों की बलि अभी भी बाकी थी। फिर उसी रात ब्रिगेट और एना किटी नाम की एक लड़की की डिलीवरी करवा रही थी। मेरी को पहले से ही पता था कि किटी का बेबी पहले से ही पेट में मर चुका है। ब्रिगेट जब किटी के पेट को टच करती है तो किटी को ऐसा लगता है कि एक चुड़ैल उसके पास में है, और तभी किटी एक भयानक मरे हुए बच्चे को पैदा करती है जिसे देखकर सभी डर गए थे। अब अगले दिन जॉन और आइजैक कॉटन को पिक्चर दिखाकर ये बताते हैं कि उन लोगों ने जंगल में किस तरह की चुड़ैल को देखा था, जिसे देखकर कॉटन को समझ में आ जाता है कि वो चुड़ैल करना क्या चाहती है। तभी जॉन को आइजैक से पता लगता है कि जिन लोगों को चुड़ैलों के चक्कर में मार दिया गया था उन्हें अभी भी दफनाया नहीं गया है, और उनकी डेड बॉडी को एक जगह पर फेंक दिया गया था और वहीं से उन चुड़ैलों ने उनके हाथ को लिया था। ये सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगता है और वो गाइल की डेड बॉडी को पूरे नियम कानून के साथ में दफनाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ मेरी किटी को अपनी बातों में फंसाकर उससे ब्रिगेट के खिलाफ बातें निकलवाने की कोशिश कर रही थी। किटी भी मेरी की बातों में आकर ये बता देती है कि जब ब्रिगेट ने उसके पेट को टच किया था तो उसने एक चुड़ैल को देखा था और तभी उसने इतने भयानक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। फिर उसी रात मेरी कॉटन को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसको ये कहती है कि ब्रिगेट ने एक शैतानी बेबी को डिलीवर किया है। सालेम में एक शैतान का मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। उस मरे हुए बच्चे को देखकर कॉटन भी ये मान लेता है कि ये बच्चा डेविल का ही बच्चा था। अगले दिन सभी लोग ब्रिगेट को ही विच मान रहे थे, क्योंकि ब्रिगेट ने उस बच्चे को डिलीवर किया था और किटी को दवाइयाँ भी ब्रिगेट ही दिया करती थी। लेकिन एना यहाँ पर अपनी आवाज उठाती है और कहती है कि ब्रिगेट ने हमेशा ही सबकी मदद की, लेकिन आज उस पर ही चुड़ैल होने का इल्जाम लग रहा था। जॉन भी यहाँ पर ब्रिगेट का ही साथ देता है। जॉन के मुताबिक बेबी तो किटी का था, तो क्या वो भी एक चुड़ैल है। तब मेरी सबको एक सलाह देती है कि उन लोगों को मर्सी के पास में ले जाया जाए। मर्सी उस स्विच को जानती है, तो मर्सी जिसके पास भी इशारा करेगी वही असली चुड़ैल होगी। सभी को एक एक करके मर्सी के पास में ले जाया जाता है और मर्सी किसी को देखकर भी कोई इशारा नहीं करती है, लेकिन मेरी एक चुड़ैल थी और उसके जादू की वजह से मर्सी ब्रिगेट पर खून लोहे और किलों की उल्टियां कर देती है और सभी लोग तब ब्रिगेट को ही चुड़ैल मान लेते हैं। ब्रिगेट रो रो कर ये कह रही थी कि वो चुड़ैल नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रिगेट को पब्लिकली फांसी की सजा दी जाती है। ब्रिगेट की सोच बाकी लोगों से अलग थी जो विचेस के साथ खतरा बन सकती थी, तो इसीलिए मेरी ने अपने जादू से किटी की डिलीवरी के टाइम उसको ऐसा दिखाया कि ब्रिगेट एक चुड़ैल है और उस बच्चे को भी इतना भयानक मेरी नहीं बनाया था। एना कॉटन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि ब्रिगेट एना की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, लेकिन कॉटन को जिस पर भी चुड़ैल होने का शक था वो सभी लोगों को मार दिया करता था। दूसरी तरफ पेटर्स को अपने पालतू मेंढक से ये पता चलता है कि उस दिन जंगल में आइजैक ने चुड़ैल को देखा था, लेकिन दूसरा आदमी कौन था ये वो मेंढक नहीं देख पाया था। इधर एना जॉन से जाकर मदद मांगती है,
कि वो असली चुड़ैल का पता लगाए और वो ब्रिगेड को जस्टिस भी दिलाए। एना ये नहीं चाहती थी कि चुड़ैलों की वजह से किसी भी मासूम की जान जाए, और जॉन भी एना की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। एना और जॉन को करीब देखकर मेरी काफी ज्यादा जिलस फील कर रही थी, तो इसीलिए उसी रात मेरी एना के बालों से एक ब्लैक मैजिक करके एना की एक वुडू डॉल बना लेती है, जिस वजह से कुछ ही देर में एना को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी थी, लेकिन एना उन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। फिर हम एना के रूम में उसके बाकी के डॉल के सामने उस वुडू डॉल को भी देख पाते हैं, और ये दोनों एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों एपिसोड में हमने देखा कि सालेम पर धर्म के ठेकेदार प्रीतांश का राज चलता था, जिसकी वजह से पूरा समाज धर्म और भगवान के डर से उनका गुलाम बना हुआ था। समाज के डर से मेरी को भी अपना बच्चा खोना पड़ा, लेकिन टिटुबा की मदद से मेरी ने डेविल के पास अपने बच्चे की बलि दी, जिस वजह से मेरी एक चुड़ैल बन गई थी। मेरी का बदला यही था कि पूरा सालेम बर्बाद हो जाए और चुड़ैले और भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। मेरी के बदले के बीच जो कोई भी आया, मेरी ने उन सभी को अपने जादू से उन्हें विच बनाकर मरवा दिया, जैसे कि गाइल्स और ब्रिगेड। मेरी जॉन से कहीं ना कहीं अभी भी प्यार करती थी, तो इसीलिए वो जॉन को सालेम छोड़कर जाने को कह रही थी, ताकि जॉन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। दोस्तों, ये दोनों एपिसोड यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सालेम गांव में क्या हुआ और मेरी और जॉन का क्या होने वाला है, तो हमारे साथ इस सीरीज़ का आगे बने रहिएगा।